तो जैन दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले, आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। तो नेक्स्ट अपने पास दोस्त क्या आता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या है, तो उससे पहले हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इंटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, है ना। सिंपली मैं ऐसे बात करूंगा तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे प्रेजेंट हैं अर्थ सरफेस पर, उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज या फिर किंगडम और फाइलम वगैरह में क्लासीफाई करना ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज या फिर डिफरेंट डिफरेंसेस के बेसिस पर, तो उसे ही हम दोस्त क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, है ना। अब साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स। ये आप याद रखिएगा, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी या फिर सिस्टेमेटिक्स, है ना। तो अब देखिए, इम्पोर्टेंस की अगर मैं आपसे बात करूं कि क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है ना, ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस बताइए। तो दोस्त देखिए, इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, उन सबकी स्टडी को ये क्या कर देता है, काफी इजी कर देता है ना। जिससे कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, हैबिटेट वगैरह को इजीली स्टडी कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज एसेंशियल टू लर्न द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और दोस्त क्या है, क्लासिफिकेशन के थ्रू हम क्या है, जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, उनको भी हम आसानी से समझ सकते हैं बाई कैटेगराइजिंग देम, है ना। और इसके अलावा दोस्त क्या बता रहे हैं, इट लेट अस टू हैव ए लुक लुक एट ऑल लाइफ फॉर्म्स एट ए ग्लांस, है ना। एक ही क्षण में हम क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें हम देख सकते हैं, है ना, एट ए ग्लांस उन्हें हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये दोस्त क्या है, हमारे क्लासिफिकेशन के एडवांटेज हैं या फिर इम्पोर्टेंस है। क्लासिफिकेशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अब, है ना। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो नेक्स्ट अपने पास दोस्त बेसिकली क्या आता है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम इनको क्लासिफाई करते हैं, तो इनको जो है डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है ना। तो जिसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन है अपने पास, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम स्टडी करते हैं, है ना। तो इसमें हम समझेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनके अंदर हम यही समझेंगे बेसिकली कि किस सिस्टम के अंदर जो है कितने किंगडम्स में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है ना। तो चलिए वन बाई वन इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास दोस्त क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो किसने प्रपोज किया था दोस्त, कार्लस लियानियस ने। ये जो है आप याद रखिएगा, ये पूछे ही जाते हैं एंट्रेंस वगैरह में कि कौन सा सिस्टम किसने प्रपोज किया है। तो टू किंगडम कार्लस लियानियस ने इन 1758 में, या फिर हम कह सकते हैं 18th सेंचुरी में। और इन्होंने किस किस दो मेन किंगडम्स में बांटा था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, है ना, प्लांट और एनिमल किंगडम, है ना। क्योंकि ये दोस्त काफी पहले क्लासिफाई किए गए, ये सिस्टम जो है काफी पहले प्रपोज किया गया है, तो इसमें जो है ब्रॉडर डिविजन ही किए गए हैं, जो कि क्या क्या है, प्लांट और एनिमल किंगडम। इसके बाद दोस्त कौन सा आता है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि दोस्त किसने प्रपोज किया था, अर्स्ट हैकेल ने 1866 में या फिर 19th सेंचुरी में, है ना। ये वाला 18th सेंचुरी में प्रपोज किया है और ये हमारा 19th सेंचुरी में। तो इसमें थोड़ा सा और जो है कॉम्प्लेक्स किया होगा इन्होंने, है ना। तो इसमें क्या है, ही रेज ए थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपार्ट फ्रॉम प्लांटा एंड एनिमेलिया। देखिए पहले कौन से किंगडम थे, प्लांट और एनिमल। इसके बाद जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, जो किसने किया, अर्नेस्ट हैकेल ने, तो उन्होंने बेसिकली एक नेक्स्ट किंगडम को और इंक्लूड कर दिया, ऐड कर दिया, जो कि किसके लिए था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो किंगडम था, जिसे दोस्त क्या कहा गया, प्रोटिस्टा कहा गया, है ना। प्लांटा और एनिमेलिया के अलावा इन्होंने एक थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे क्या कहा गया, प्रोटिस्टा, और ये किसके लिए किया गया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना। तो ये क्या, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने प्रपोज किया, अर्नेस्ट हैकेल ने। इसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं, तो यही सिस्टम जो है हम अब भी प्रेजेंटली स्टडी करते हैं, है ना। तो ये किसने प्रपोज किया है, आर एच विटिकर ने 1959 में, है ना, या फिर 20th सेंचुरी में, है ना। तो इसमें दोस्त और क्या क्या अदर किंगडम्स ऐड किए गए, तो दोस्त वो क्या क्या है, फोर्थ किंगडम एक ऐड किया गया मोनेरा, जो कि किसके लिए था, बैक्टीरिया के लिए। और फिफ्थ किंगडम जो कि फंगी है, वो किसके लिए ऐड किया, फंगस के लिए, है ना। सबसे पहले दो प्रपोज किए गए, फिर तीन और फिर पांच, है ना। पांच में कौन सा ऐड किया गया,
फोर्थ किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया के लिए और फिफ्थ किंगडम फंगी फंगस के लिए, है ना। तो इन्हीं के इस सिस्टम को हम जो है वो प्रेजेंटली स्टडी करते हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटा एनिमेलिया। ये क्या है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो किसने प्रपोज किया था, आर एच विटिगन ने। ये किसने प्रपोज किए हैं इन्हें आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं एंट्रेंस वगैरह में, है ना। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा।